वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो आज फिर से गिरावट देखने को मिले, 71 के नीचे चला गया है, 70.90 पे ट्रेडिंग करा है, 60 पैसे की गिरावट, तकरीबन 80.84% की गिरावट देखने को मिले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के अंदर। आज वैसे भी देखा जाए तो ओपन तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गैप डाउन से ओपन हो चुका था, ओपन होने के बाद बाउंस बैक भी किया था, पर प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसने 71.50 उस लेवल ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया जिसको ब्रेकआउट नहीं दे पाए, तो फिर से वैसे गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। तो मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप यहाँ पे स्टेबल है, पी रेशो भी अच्छा है, 5 का है और डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया दे देता है इंडियन ऑयल स्टॉक। पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर देखा जाए तो 24 ही मूवमेंट देखने को मिले काफ़ी दिनों से। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम भी चेक करेंगे यहाँ पे रिसेंटली, तो वॉल्यूम आज के दिन का देख सकते हैं कि 1 करोड़ 41 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर। यानी कि ट्रेडेड वैल्यू देखोगे तो देख सकते हैं कि 10,052 लाख की देखने को मिले। तो बाइंग के लिए देख सकते हैं कि 41 लाख की क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 40 लाख, मीन्स तकरीबन सेम क्वांटिटीज है बाइंग और सेलिंग के लिए। तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर नजर डाली जाए तो 1 करोड़ 36 लाख में से 93 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, टोटल 68%, यानी कि डिलीवरी परसेंटेज जो अच्छा दिखाई दे रहा है होल्डिंग के लिए। तो चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के, तो चार्ट में भी देख सकते हो स्टॉक की मूवमेंट देखी जाए तो मंथली जो प्यूट है 71.15 लेवल पे है, उसी का सुबह में रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिले। तकरीबन देखा जाए तो फिर से 71 लेवल के ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है, पर 71 लेवल पे मंथली प्यूट है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट आईओसी स्टॉक के लिए।